हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले लेक्चर टू ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो पहला लेक्चर में आप लोग को इंट्रोडक्शन कराया था कि क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस में क्या है, आउट ऑफ सिलेबस क्या है, मतलब जेईई के लिए और नीट के लिए क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं रेट ऑफ ए रिएक्शन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह के रिएक्शन को हमें एक्चुअली रेट के लिए स्टडी करना चाहिए, है ना। रेट किस तरह के रिएक्शन के लिए स्टडी किया जाता है लैब में, तो उसके लिए सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आपको जानना जरूरी है कि कितना टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है, तो रेट के बेसिस पे देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। ओके, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वेरी स्लो रिएक्शंस में, जैसे कि आपका हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, इट टेक्स अबाउट एयर, राइट। द रिएक्शन में ओकर ओके विद इन एयर, तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो लगभग एक साल लग जाता है। ठीक है, तो रस्टिंग होने में, नया आयरन जो है आपका रस्ट होने में एक साल लग जाता है, तो ये वो स्लो रिएक्शन होता है। तो वो स्लो रिएक्शन के लिए जो वो स्लो रिएक्शन होता है उसका स्टडी, रेट स्टडी करना एक्सपेरिमेंटली लैब में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसका हम स्टडी नहीं करेंगे। जनरली वेरी स्लो रिएक्शंस आर नॉट स्टडीड इन लैब, तो केमिकल काइनेटिक्स ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन इज नॉट डन। ओके, सो हम स्टडी नहीं करेंगे उसके बारे में। तो और एक होता है आपका वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया दूसरा वेरी फास्ट रिएक्शन। तो वेरी फास्ट रिएक्शंस, इसका एग्जांपल जैसे कि आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी आयनिक रिएक्शन जो होता है वो बहुत फर्स्ट होता है। ठीक है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन में सबसे पहला एग्जांपल है आयनिक रिएक्शंस, और आयनिक रिएक्शंस में जैसे कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, सो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है वो विद इन अ सेकेंड हो जाता है। ठीक है, विद इन अ सेकेंड होने के कारण हम उसको बोलेंगे बहुत फास्ट रिएक्शन है वो। तो वेरी फास्ट रिएक्शन को आप कैसे, सो विद इन अ सेकेंड अगर एक रिएक्शन हो जा रहा है तो उसका काइनेटिक स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक तो हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, एक हो गया अगर वेरी फास्ट रिएक्शन। तो बहुत रिएक्शन, बहुत टाइप ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी स्टडीड इन अ लैब। ओके, केमिकल काइनेटिक्स कैन नॉट बी स्टडीड। ओके, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का, जैसे कि मैंने NaCl का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, उसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, सोल्यूशन दे दिया। ठीक है, तो सिल्वर लाइट एक्वा सोल्यूशन देने के बाद आपको क्या मिलेगा, इससे आपको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ना, व्हाइट पीपीटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस और क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 एक्वास। ठीक है, तो दीज आर द रिएक्शंस। ओके, तो ये आपका रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन, और भी आयनिक रिएक्शन आप दूसरा ले सकते हो। ये आयनिक रिएक्शन जो होते हैं ना वो विद इन अ सेकेंड ही हो जाता है। ठीक है, तो बहुत फर्स्ट होता है, तो अगर इतना फर्स्ट होगा तो आप रेट कैसे स्टडी करोगे केमिकल काइनेटिक्स, है ना, तो लैब में ये पॉसिबल नहीं है एक्सपेरिमेंटली। तो तीसरा आता है मॉडरेट रेट रिएक्शन। ओके, मॉडरेट रेट रिएक्शंस। ओके, जिसके लिए हम रेट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका रेट स्टडी करना बहुत ही पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मॉडरेट रेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रेट रिएक्शन में मॉलिकुलर रिएक्शन, जितना भी मॉलिकुलर रिएक्शंस है, मॉलिकुलर रिएक्शंस। ओके, तो मॉलिकुलर रिएक्शंस आर एक्चुअली मॉडरेट रेट रिएक्शंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हैबर्स रिएक्शन, हैबर्स प्रोसेस। ओके, हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया, हम यहाँ पे अमोनिया प्रोडक्शन करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इट विल गिव 2 मोल ऑफ द अमोनिया। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, आप लोग यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हो, सर यहाँ पे तो रिवर्सिबल साइन होना चाहिए, है ना, यहाँ पे रिवर्सिबल साइन आपने दिया था पहले, लेकिन अभी ये मेरा चैप्टर क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी क्या करते हैं, रेट स्टडी करते हैं, है ना, तो रेट स्टडी करते हैं, तो जैसा देश वैसा वेस, है ना, हमें रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये वाला साइन दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, हमें पता है कि ये रिलेशन इक्विलिब्रियम में अटेंड करता है, बट हमें स्टडी क्या करना है इस वाले चैप्टर में, सिर्फ रेट स्टडी करना है। ठीक है, रेट मतलब क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर रेट स्टडी करना है आपको, कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, कितना टाइम पे, बस वही चाहिए, इक्विलिब्रियम तो आपको नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे जैसा देश वैसा वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन होता है ये आपका 200 ATM, है ना, 200 ATM पे होता है, और 450 डिग्री सेल्सियस, या नियरली आप बोल सकते हो 700 Kelvin पे होता है। और ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, ये एक मॉलिकुलर रिएक्शन है जहाँ पे अमोनिया प्रोडक्शन करते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो 200 ATM एंड 700 Kelvin के आसपास है। तो अभी ये वाला जो रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक होने के बाद भी, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा, मतलब केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है, ऑलरेडी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर देने का क्या जरूरी है ना? इसका नीड्स क्या है? इसका नीड्स ये है कि इन दोनों के बीच में आपका रिएक्शन भी तो होना पड़ेगा, है ना, परफेक्ट कॉलिजन भी तो होना पड़ेगा। परफेक्ट कॉलिजन होने के एक्टिवेटेड कॉलिजन होने के बाद एक एक्टिवेटेड स्टेट फॉर्म होता है। तो टू मेंटेन टू एसिप दैट एक्टिवेटेड स्टेट, राइट, तो वो एक्टिवेटेड स्टेट मतलब एसिप करने के लिए आपको मिनिमम एक टेम्परेचर देना जरूरी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर देना जरूरी है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 700 केल्विन, है ना, क्योंकि ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है आपका लो टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 700 केल्विन है, तो रिमेंबर डेट। ओके, तो दिस टाइप ऑफ जितना भी आपका मॉलिकुलर रिएक्शन होगा उसके लिए हम केमिकल काइनेटिक स्टडी कर सकते हैं लैब में, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना इसको होने में 30-40 मिनट लग जाता है, एक घंटा लग जाता है, तो इस तरह का टाइम होगा तो हम लैब में हम स्टडी कर सकते हैं, हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम मॉलिकुलर रिएक्शन के लिए ही हम रेट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, ये लिख लेना अच्छी तरह से आप लोग। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट की रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन और वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो पहले तो हम जनरलाइज करके कुछ रिएक्शंस लेंगे, सबसे पहले कुछ जनरलाइज रिएक्शन लेंगे, जैसे कि एक्सप्रेशन पहले लिख लेता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन बताइए क्या होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे कि आपका स्पीड हो गया, है ना, वेलोसिटी हो गया, उस तरह से आपका केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर चेंज इन प्रेशर। अगर कोई गैसेस रिएक्शन होगा तो उसको हम प्रेशर कंसिडर करेंगे ना, कंसंट्रेशन तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्वास होगा तो कंसंट्रेशन होगा, तो चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रेशर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन और प्रेशर पर यूनिट टाइम, ओके, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या फिर चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए अच्छी तरह से। लेट अस कंसीडर एक रिएक्शन ए से बी हो रहा है, ठीक है, जनरलाइज रिएक्शन में ले रहा हूँ, इसका आपका एक मॉल है, इसका भी एक मॉल है। ठीक है, तो अभी लेट अस कंसीडर कि टी इक्वल टू जीरो में इसका कंसेंट्रेशन ए नॉट था। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कंसेंट्रेशन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ना, टी इक्वल टू जीरो में प्रोडक्ट फॉर्म होता ही नहीं है, है ना, ए डिसोसिएट होगा तब जाके बी फॉर्म करेगा, ए डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पे, तो अभी तो जस्ट क्या स्टार्ट होना, मतलब रिएक्शन होना, मतलब स्टार्ट होना है अभी जस्ट। ठीक है, तो इनिशियल रेट जो होगा ये आपका क्या निकालना है, इनिशियल रेट के लिए आपको डी एक्स बाई डी टी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इनिशियल रेट बाद में करते हैं इसका, तो इनिशियली कुछ एक रेट से स्टार्ट करेगा ये रिएक्शन, स्टार्ट करने के बाद ए नॉट से आपका इसमें कुछ फॉर्म होने वाला है। तो हम लेते हैं कंसीडर कि टी इक्वल टू टी टाइम पे ए नॉट से कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो गया, एक्स अमाउंट। ठीक है, तो एक्स अमाउंट डिसोसिएट होने के बाद सपोज ये एक्स अमाउंट अभी बी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक्स आपका ए से एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो गया और ये एक्स अमाउंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ ए, क्योंकि ए तो आपका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है ना। ठीक है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आप लिख सकते हो इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, तो ये तीनों सेम है, तो इस तीनों का जो आपका एक्सप्रेशन होगा रेट, ठीक है, उसको हम रेट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका रेट। तो ये जो रेट है, ये रेट आपका चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितना हो रहा है, देखिए कंसेंट्रेशन आपका फाइनल कंसेंट्रेशन कितना हो रहा है, ए नॉट माइनस सिक्स हो रहा है, और इनिशियल कितना है, ए नॉट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, टी माइनस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए नॉट कैंसिल हो गया, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, है ना, तो रेट क्या नेगेटिव हो सकता है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है,
कोई भी रेट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब रेट मतलब होता है चेंज, कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज वो पॉजिटिव लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे आगे में आपको माइनस लगाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको आगे माइनस लगाना है, तभी जाके ये क्या होगा प्लस, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आप आगे में नेगेटिव नेगेटिव साइन लगा रहे हो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ना, ये नेगेटिव साइन का इसका सिग्निफिकेंस क्या है, केमिकल मतलब केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो ए का कंसेंट्रेशन है, ए का जो कंसेंट्रेशन है विथ टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन लगाया तो इसका मतलब ये है कि विथ टाइम ए का जो कंसेंट्रेशन है वो नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही सिग्निफाई करता है, इसका सिग्निफिकेंस तो यही है। अभी देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको अच्छी तरह से। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मैंने कर लिया है, अभी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी देखते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ओके, और रेट ऑफ बी आप सिंपली बोल सकते हैं रेट ऑफ बी, ठीक है। तो आर ऑफ बी होगा तो विच इज इक्वल टू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो कितना चेंज हो रहा है, बी का कंसेंट्रेशन देखिए फाइनल कितना हो रहा है, एक्स, एक्स से आपका इनिशियल कितना था, जीरो, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई डी टी माइनस जीरो, ठीक है, विच इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो इस बार पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो पॉजिटिव का सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है विद टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब, ठीक है। और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या था कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये पूरा रिएक्शन का मैंने ए का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन मैंने निकाला क्या है, आर ए इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और बी का जो आपका रेट एक्सप्रेशन है वो क्या है डी एक्स बाई डी टी इसका भी, ठीक है। तो अभी मैं कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो देखना इसमें ध्यान से कंप्लीट रिएक्शन के लिए, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा डी एक्स बाई डी टी मतलब कितना चेंज हो रहा है पूरा रिएक्शन में, कितना चेंज हो रहा है कितना टाइम पे, तो टाइम है आपका टी टाइम पे कितना चेंज हो रहा है एक्स, ठीक है। तो ये अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू, अभी देखो आर ए के साथ और आर बी के साथ आपको एक साथ लिखना है, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है सबको लिखना चाहिए एक साथ। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी, क्यों, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है माइनस डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है माइनस डी ए बाई डी टी होता है ना, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी भी होगा, तो इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और एक रिएक्शन लेते हैं इसके बाद, नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए, अभी सपोज मैंने क्या कर दिया, ए के आगे टू लगा दिया, ठीक है, ए के आगे मैंने अभी टू लगा दिया, तो अभी दो मोल ले रहा हूँ, तो टी इक्वल टू जीरो में सपोज कंसेंट्रेशन इसका ए नॉट है और इसका ऑब्वियसली जीरो होगा, बी प्रोडक्शन नहीं हुआ है अभी, तो टी इक्वल टू टी टाइम पे इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा अभी ए नॉट माइनस टू एक्स, एक मोल से अगर एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे तो दो मोल है ना, तो टू एक्स होगा, टू एक्स मोल आपको माइनस करना है और बी कितना फॉर्म हो जाएगा टू एक्स, राइट। तो अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या फिर रेट ऑफ, ठीक है, डिसअपीयरेंस ऑफ ए हो गया या फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, यही तो एक्सप्रेशन है, विच इज इक्वल टू माइनस डी, ए का कंसेंट्रेशन क्या होगा ए नॉट माइनस टू एक्स माइनस ए नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी माइनस जीरो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विच इज इक्वल टू टू डी एक्स बाई डी टी, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये टू आगे आ गया है ना, और डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, ये तो माइनस देना ही है क्योंकि ये तो रिएक्टन है, ए आपका रिएक्टन है यहाँ पे, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी देखते हैं क्या होगा, बी क्या आपका प्रोडक्ट है तो प्लस लिखना चाहिए, तो प्लस डी वी बाई डी टी, ओके, विच इज इक्वल टू इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, डी बी का कितना हो रहा है चेंज आपका टू एक्स माइनस जीरो फाइनल माइनस इनिशियल, तो टू एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई इसमें क्या आएगा टी माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो विच इज इक्वल टू टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो यहाँ पे आपका टू आ गया है ना, तो टू एक्स सॉरी यहाँ पे टू एक्स नहीं आएगा, सिर्फ एक्स आएगा क्योंकि इसमें एक ही मॉल है, थोड़ा सा गलती हो गया इसमें, ठीक है, इसमें एक ही मॉल है,
ठीक है, बी एक ही मोल है तो एक्स होगा, इसमें अगर टू एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो बी सिर्फ एक्स ही होगा, ठीक है। तो लेट अस सी, ये dx by dt हो गया, ठीक है, प्लस dv by dt, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, dx by dt, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ a के साथ रिलेशन क्या होगा, dx by dt, ये 2 किधर आ जाएगा, नीचे, ठीक है। मतलब यहाँ से इसका अगर मैं अच्छी तरह से इसे लिखूँ dx by dt, तो ये 2 किधर जाने वाला है, 2 इसके नीचे आएगा, मतलब माइनस 1 by 2 dA डिवाइडेड by dt, ठीक है। तो dx by dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ dA by dt। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, माइनस dA by dt, ठीक है, और प्लस, और dx by dt इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस dB by dt, प्लस dB by dt, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन ये हो गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपका ये dA by dt जो है, इसके नीचे में आपका 2 आ रहा है। ये 2 क्या है, यहाँ पे a के आगे आपका कॉफिशियंट था, जो जो भी कॉफिशियंट होता है ना, उसी का जो रेट एक्सप्रेशन होगा उसके नीचे रेसिप्रोकल के हिसाब से आएगा, ये रूल्स है, है ना। आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे तो 1 था, ऐसे नीचे 1 आ गया, 1 बाई 1, 1 ही है, इसलिए ऐसे ऐसे रहेगा, सिंपली रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 है, इसे नीचे आ गया 2, ठीक है, तो 1 बाई 2 हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और एक रिएक्शन लेते हैं जहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो आस्ते आस्ते बड़ा कर रहे हैं, आस्ते आस्ते बड़ा कर रहे हैं, जैसे कि 2a प्लस 3b, ठीक है, इससे हो रहा है 5c, ठीक है। तो t इक्वल टू जीरो पे लेट अस कंसीडर कि a का कंसेंट्रेशन क्या है, a नॉट, और इसका कंसेंट्रेशन क्या है, b नॉट, और इसका जीरो। तो t इक्वल टू t पे क्या हो जाएगा, इसका a नॉट माइनस x, है ना, a नॉट माइनस 2x हो जाएगा, 2 है, a नॉट माइनस 2x, और इसका क्या होने वाला है, b नॉट माइनस, इसमें 3 है तो 3x, ठीक है, और इसमें कितना है, 5 है, तो ये 5x फॉर्म होने वाला है, ठीक है। गलती नहीं करना है, ठीक है, मैंने पहले वाला रिएक्शन में तो मिस्टेक कर लिया था, अभी देखो सही करके कर रहा हूँ। तो 5 जो है यहाँ पे 5 आ गया, है ना, यहाँ पे 3 है तो 3x माइनस करना है ना, यहाँ पे 2 है इसलिए 2x माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है, हमेशा। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये होगा माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। तो माइनस डी ए का कंसेंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ए नॉट माइनस 2x माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई डी t माइनस जीरो, क्योंकि ये t माइनस जीरो फाइनल माइनस इनिशियल करना है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 dx by dt, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b देखते हैं, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b क्या है, b इस टाइम क्या है, इस बार आपका ये भी रिएक्टन है, ओके, प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान से देखना। तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो माइनस db by dt, ठीक है, समझ में आ रहा है। माइनस b का कंसेंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है आपका, देखो यहाँ पे b नॉट माइनस 3x, तो b नॉट माइनस 3x माइनस b नॉट डिवाइडेड by dt माइनस जीरो, ठीक है। तो इससे क्या आने वाला है, 3 dx by dt, ठीक है, b0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 3 आ गया, ठीक है, नीचे dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ c, ठीक है, c के लिए देखते हैं। तो c तो आपका प्रोडक्ट है, तो प्लस आना चाहिए, तो प्लस dc by dt, ओके, तो प्लस d, c कितना कंसेंट्रेशन है फाइनल, 5x माइनस 0, तो 5x माइनस 0 डिवाइडेड बाई dt माइनस 0, विच इज इक्वल टू 5 dx by dt, ठीक है, dx by dt। तो अभी आते हैं डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, पूरा कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा, ओके, पूरा कंप्लीट रिएक्शन के लिए। तो ये तो हो गया a के लिए, ये हो गया आपका b के लिए, ये हो गया आपका c के लिए, राइट। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, dx by dt, हमेशा dx by dt होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो विच इज इक्वल टू, यहाँ से dx by dt क्या होगा, माइनस हाफ, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, सो dA डिवाइडेड बाई dt, ओके, विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, ये 3 नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, डी बी बाई डी टी, और यहाँ पे प्लस, ये नीचे आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 है, ये नीचे आ जाएगा, तो प्लस 1 बाई 5 डी सी बाई डी टी, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट रेट, जो कंप्लीट रेट है, कंप्लीट रिएक्शन है, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन है ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, जो रेसिप्रोकल, जो भी आपका यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको क्या करना है, उसको आपको रेसिप्रोकल पे लिखना है, ठीक है, रेस्पेक्टिव रेट के नीचे लिखना है, ठीक है, जैसे ए का रेट जो होगा उसके नीचे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन पे है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं, जब भी आप इंडिविजुअली रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो ना तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना तो आपको बैलेंस रिएक्शन चाहिए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखना, वाइल राइटिंग द रेट ऑफ रिएक्शन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड, इट इज द कोएफिशिएंट इज रिक्वायर्ड, ओके, तो विदाउट द कोएफिशिएंट यू कैनॉट राइट, विदाउट दिस बैलेंस रिएक्शन यू कैनॉट राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन एक, ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर स्पेसिस के लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपको ये कोएफिशिएंट इधर है भी तो इसमें लिखना नहीं है आपको,
दिखा है मैं नीचे, देख रहे हो आप लोग, देखिए ये फाइव नीचे नहीं लिखा हो, थ्री भी नहीं लिखा हो इसमें, है ना, टू भी नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, वो अपने आप आने वाला है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बी सी जब भी लिखोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं डालना है, ये बात याद रखना, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन के लिए जब लिखोगे तो यहाँ पे ए के नीचे कोफिशिएंट लगाना है, बी के नीचे भी कोफिशिएंट लगाना है, सी के नीचे भी कोफिशिएंट लगाना है, ठीक है। तो ये नोट करके रख देना यहाँ पे, ये नोट लिख लो अच्छी तरह से कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस, ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस, ओके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ओके, बैलेंस रिएक्शन और स्टोकैमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके, स्टोकैमेट्रिक कोफिशिएंट का इंडिपेंडेंट है, बट रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस का मतलब ए या बी या सी के बारे में बात कर रहा था अभी, देखो, बट रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ कंप्लीट रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट, ओके, डिपेंडेंट ऑन बैलेंस रिएक्शन, ओके, बैलेंस रिएक्शन। So if the balance reaction is not given, we cannot write a rate of reaction expression. Remember that, okay? तो इसके बाद आगे देखते हैं, इसके कुछ problems करते हैं, ठीक है? तो अभी हम generalize करके क्या लिख सकते हैं ना, देखो, generalize करके अगर ऐसा दिया हुआ है, alpha of A plus beta of B gives, okay, gamma of C, तो इसके लिए rate of reaction क्या होगा, complete जो reaction है, complete reaction के लिए rate क्या होगा, it will be equal to minus 1 by alpha d of A divided by dt will be equal to minus 1 by beta d of B divided by dt will be equal to plus 1 by gamma, 1 by gamma dc by dt, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो भी कॉफिशियंट होगा वो हमेशा रेसिप्रोकल पे आने वाला है, रेड के रेसिप्रोकल पे आने वाला है, ठीक है। तो सपोज और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपका ये दे दिया है 1/2 ऑफ ए प्लस 1/3 ऑफ बी गिव्स 1/5 ऑफ सी, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ओके, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई टाइम, कितना कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है बाई टाइम, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ आने वाला है 1/2, ठीक है, यहाँ पे हाफ है ना, हाफ कॉफिशन है, तो ये रेसिप्रोकल पे आने वाला है, नीचे आने वाला है, तो ये हाफ जो है ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा फाइनली, है ना, तो माइनस 2 डी ए बाई डी टी, ठीक है। उसी तरह से ये भी 1/3 नीचे आएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 3 डी बी बाई डी टी, ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन होगा, ओके, फिर इक्वल टू क्या होगा, प्लस 5 डी सी बाई डी टी, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम रेट लिखते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको और एक चीज़ पढ़ना है इस बीच में कि रेट का जो, अगर ये गैसेस हो गया, ठीक है, अगर ये गैसेस रिएक्शन हो गया उसके लिए कैसे करेंगे, तो लेट अस टेक ए, ये गैसेस है, प्लस बी गैसेस गिव्स सी गैसेस, ठीक है। तो गैसेस के लिए क्या होगा, तो गैसेस के लिए आपका होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ओके, ये स्मॉल पी है, स्मॉल पी आप लिख सकते हो, तो स्मॉल पी का मतलब है कि चेंज इन अ प्रेशर, ओके, द चेंज इन अ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, या फिर एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब टी इक्वल टू जीरो में, इसका जो प्रेशर है वो मैं पी वन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका जो प्रेशर ये मैं पी टू ले लेता हूँ इनिशियली, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो टी इक्वल टू टी में क्या होने वाला है, तो पी वन माइनस स्मॉल पी, ओके, और ये क्या होने वाला है, पी टू माइनस स्मॉल पी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा स्मॉल P, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे रेट निकालना, रेट एक्सप्रेशन निकालना है A के लिए, B के लिए और C के लिए, तो कैसे करना है, देखिए, तो रेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी, ओके, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, क्या है, डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस, ठीक है, डी पी वन बाई डी टी। और आर ऑफ बी क्या हो जाएगा, आर ऑफ बी हो जाएगा ये आपका माइनस डी पी टू डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन क्या था इनिशियली, पी टू, ठीक है। फिर आर ऑफ मतलब ये आपको क्या करना है, फिर आर ऑफ सी, ठीक है, तो आर ऑफ सी मतलब इसमें आपको चेंज दिखाना पड़ेगा, है ना, तो डी ये हो गया आपका, कितना चेंज हो रहा है, पी वन माइनस पी बाई पी वन, ठीक है, तो इसमें वन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें टू देने की जरूरत नहीं है, तो ये हो रहा है आपका कितना, पी वन माइनस पी हो रहा है ना, तो ये फाइनल है, माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना, पी वन, तो ये पी वन
ये पी वन और ये पी वन कैंसिल हो रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डी टी, टी माइनस जीरो, टी माइनस जीरो, ठीक है, तो डी टी, तो फाइनली आपका क्या हो रहा है डी पी, ओके यही हो जाएगा माइनस डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं ऐसे, इसमें हम लिखते हैं माइनस डी, इसमें कितना आ रहा है पी टू माइनस पी, तो पी टू माइनस पी टू डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल क्या आएगा, यही आएगा। तो आर ऑफ सी क्या होगा, आर ऑफ सी का भी आपका माइनस डी पी बाई डी टी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉफिशन है ही नहीं, कोई कॉफिशन नहीं है, है ना, तो कोई भी कॉफिशन नहीं है, तो कोई भी कॉफिशन नहीं है, तो आपको इस तरह से ही लिखना है बस। यहाँ पे एक काम कर देना, ये ए लिख देना, ये बी लिख देना, ये आपका सी लिख देना बस, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो सब तीनों सेम हो जाएगा ना। तो डी पी ए, ठीक है, ये डी पी बी और ये डी पी सी, और इसका ये जो एक्सप्रेशन है क्या आने वाला है, ये डी पी बाई डी टी, ठीक है, और ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है आपका डी पी वन बाई डी टी, ठीक है, डी पी वन बाई डी टी, और इसमें क्या आने वाला है, इसका एक्सप्रेशन, इसका आने वाला है डी पी टू बाई डी टी, ठीक है, और इसका आने वाला है डी पी बाई डी टी, क्योंकि इसका पी था सिर्फ, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ले लेता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डी पी बाई डी टी विच इज इक्वल टू, इसका क्या आ रहा है डी पी माइनस डी पी मतलब माइनस डी पी ए बाई डी टी एंड इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे माइनस डी पी बी बाई डी टी एंड विच इज इक्वल टू डी पी बाई डी पी सी बाई डी टी, ठीक है, लेकिन सी आपका प्रोडक्ट है ना, सी तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट इसको प्लस होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ए प्लस बी से सी हो रहा है, ए का प्रेशर मैंने पी वन लिया था, बी का पी टू लिया था इनिशियल प्रेशर, ठीक है, इसका जीरो हो जाएगा, पी वन से पी डिसोसिएट हो रहा है, इसका भी पी डिसोसिएट हो रहा है, और इसका पी फॉर्म करेगा क्योंकि वन 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 है, ठीक है, तो सेम है सब में, जितना डिसोसिएट हो रहा है उतना फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए जो क्या होगा, माइनस डी पी ए बाई डी टी, ये माइनस क्यों है, क्योंकि आपका ए का जो प्रेशर है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और डी पी ए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है पी वन माइनस पी माइनस पी वन, ठीक है, इसको अगर हम ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी पी वन बाई डी पी बाई डी टी, ठीक है, ये डी पी बाई डी टी हो जाएगा, सॉरी ये डी पी बाई डी टी हो जाएगा, और ये भी आपका डी पी बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी टू कैंसिल हो रहा है, पी रह गया, ठीक है, डी पी बाई डी टी, और आपका आर सी क्या हो जाएगा, आर सी हो गया आपका ये पी माइनस जीरो, तो डायरेक्ट डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन में जो आपको क्या करना है, कोई कॉफिशन होगा तो बस कॉफिशन को लिखना है, कॉफिशन कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सब में सेम हो गया, जस्ट आपका यहाँ पे ए बी सी लिखेगा और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन में डी पी बाई डी टी, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम इसमें। तो अभी आते हैं ये दो रिएक्शन का क्वेश्चन करते हैं, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले ना आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यूनिट, ठीक है, तो यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट, तो यूनिट ऑफ रेट अगर आप रेट कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकाल रहे हो, ठीक है, रेट अगर आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकाल रहे हो, जैसे कि आपका हो गया डी ए बाई डी टी, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्या आने वाला है कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर होगा, तो ऊपर क्या है आपका मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है टाइम, ठीक है, नीचे क्या है टाइम, तो यूनिट क्या हो गया, अब यूनिट आपको यही लिखना है मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट इफ यू एक्सप्रेस इन अ कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन पर टाइम, लेकिन अगर आप इसको प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, प्रेशर के टर्म्स में, जिसके रेट हो गया, रेट हम लिख रहे हैं कि डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए टी एम डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा टाइम, ठीक है, टाइम मतलब ये सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ठीक है, तो ए टी एम पर टाइम, ए टी एम पर टाइम अगर होगा तो दिस इज द यूनिट ऑफ ओके रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, ए टी एम पर टाइम और ऊपर हो गया मॉल पर लीटर पर टाइम, ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन करते हैं ये, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2A plus 3B gives 5C, ठीक है, और A का इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 10 मोलर विच चेंजेस टू 5 मोलर इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में 5 मोलर हो रहा है ये, ठीक है, फाइनल, ठीक है, इनिशियल आपका 10 तो फाइनल आपका 5 हो गया और ये 20 सेकंड लग रहा है आपको ये चेंज होने में, ठीक है, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी निकालना है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए जो है ये क्या है माइनस डी ए बाई डी टी होगा, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में, इसलिए मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तो कितना कंसंट्रेशन हो रहा है आपका चेंज, चेंज हो रहा है आपका 5 से लेके
टेन से लेकर फाइव तक, फाइनल कितना है फाइव माइनस इनिशियल कितना है टेन, ठीक है। टाइम कितना चेंज हो रहा है आपका ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस जीरो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊपर कितना होगा माइनस फाइव, माइनस प्लस फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाई ट्वेंटी विच इज इक्वल टू वन बाई फोर, ठीक है। तो वन बाई फोर इज द आंसर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। इसका यूनिट क्या होने वाला है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर क्या है सेकेंड है ना, तो पर सेकेंड, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना, ठीक है। यूनिट जो है बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे मोलर है, तो इसको आप मोलर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। मोलर पे दिया हुआ है कंसंट्रेशन, आप इसको मोलर पे ही लिखना, मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी जो है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, वो अभी बी भी आपका क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट है, तो माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो बी के लिए कोई चेंजेस तो है नहीं यहाँ पे, है ना। बी का अगर चेंजेस नहीं है तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा, वहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रब करके स्पेस निकाल देता हूँ। अभी देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिखता हूँ इसके लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ओके, विच मस्ट बी इक्वल टू, विच मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, लेकिन नीचे क्या आएगा टू, नीचे क्या आने वाला है टू, ठीक है, क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस। जब भी पार्टिकुलर सब्सटेंस लिखते हैं तो नीचे में कोई भी कोएफिशिएंट देने का जरूरत नहीं है, ये आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे टू इसलिए लिख रहा हूँ कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन बाई थ्री डी बी बाई डी टी, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, प्लस वन बाई फाइव डी सी बाई डी टी, ठीक है। यहाँ पे फाइव है ना, तो नीचे फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, अभी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है, मतलब माइनस भी आएगा इसके साथ। तो आपको डी एफ ओ माइनस डी बी बाई डी टी अगर आपको निकालना है, तो ये थ्री किधर चला जाएगा, थ्री इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि आपके पास डी ए माइनस डी ए बाई डी टी आपके पास ऑलरेडी है, कितना है वन बाई फोर। तो इसका फायदा उठाते हैं, है ना, इसका रिलेशन यूज करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री इधर चला जाएगा, तो थ्री बाई टू, है ना। तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, तो थ्री बाई टू इंटू डी ए बाई डी टी कितना आ रहा है आपका, वन बाई फोर। तो वन बाई फोर इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई एट मोलर पर सेकेंड, ओके, मोलर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका, ठीक है, रेट ऑफ बी, ठीक है, रेट ऑफ बी। अभी निकालते हैं रेट ऑफ सी। तो रेट ऑफ सी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी, तो सी के लिए यहाँ इजी निकालना है आपको, ठीक है। तो डी सी बाई डी टी फाइव इधर चला जाएगा, ठीक है, तो फाइव बाई टू, फाइव बाई टू डी ए बाई डी टी, ठीक है, डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी कितना है, वन बाई फोर, तो फाइव डिवाइडेड बाई टू फोर जो एट, तो फाइव बाई एट मोलर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ए बाई डी टी कितना है आपका, माइनस डी ए बाई डी टी कितना है आपका, वन बाई फोर, ठीक है, वन बाई फोर। ये माइनस आना चाहिए यहाँ पे, ये माइनस आना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी का आपका कितना आ रहा है, वन बाई फोर। तो वन बाई फोर मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और आगे मैं फाइव बाई टू कैसे आ गया, ये फाइव मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करा था फाइव बाई टू, ठीक है, इसलिए फाइव बाई टू आ गया, फाइव बाई टू इंटू वन बाई फोर। तो फाइव बाई टू इंटू वन बाई फोर कितना आ रहा है, फाइव बाई एट मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए आ गया वन बाई फोर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी आ गया कितना, थ्री बाई एट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी आ गया कितना, आ गया आपका फाइव बाई एट मोलर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होता है डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फाइनली, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ओके, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें, माइनस डी ए बाई डी टी हाफ इंटू वन बाई फोर विच इज इक्वल टू वन बाई एट मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आना चाहिए आंसर, है ना, क्योंकि माइनस डी ए बाई डी टी का कितना है, वन बाई फोर है, ठीक है। आगे में आपका हाफ है, ये वाला ये रिलेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये तो रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख देना, तो वहाँ से ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ए का ही आपका रिलेशन दिया हुआ है ना, ए का ही जो डाटा है इज गिवन टू यू, ओके, लेकिन बी और सी के लिए डाटा नहीं दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो उसका कैसे निकालना है ना, तो उसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वही उसी की हेल्प से आपको निकालना है बी का, सी का और रेट ऑफ रिएक्शन का, ठीक है। तो ये अगर हो गया, आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, ठीक है, एमोनिया फॉर्म करना है रिएक्शन करके, फ्रॉम कहाँ से, एन टू एन एस टू से। तो एन टू एन एस टू को रिएक्शन करा के आपको एमोनिया प्रोडक्शन करना है, तो एमोनिया प्रोडक्शन करना है, और जो रेट ऑफ कंजर्शन ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन ऐसा हो जाएगा ना लगभग,
रिएक्शन दिया हुआ नहीं है ना, रिएक्शन इज नॉट गिवन टू यू, ओके। तो ये हो गया मतलब है ना, टू मॉल ऑफ एमोनिया अगर इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसा रिएक्शन है, मतलब एन टू और एस टू कंज्यूम हो रहा है और एमोनिया आपका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन टू यू, कितना है 1.5 × 10⁻⁶ मोलर पर सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आपको लिखना पड़ेगा है ना, लेकिन उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको बैलेंस रिएक्शन जरूरी है, ओके। अगर आपका बैलेंस रिएक्शन क्वेश्चन में है, ओके, द क्वेश्चन इटसेल्फ, इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, इफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट गिवन टू यू, हाउ कैन यू राइट अ रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। हम जैसे भी बना के अगर लिखेंगे तो गलत हो सकता है, जैसे कि ये वाला रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन के लिए रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, माइनस, ओके, डी एन टू बाई डी टी, ओके। और ये दिया हुआ कितना है, 1.5 × 10⁻³। अगर मैं ये वाला रिएक्शन लिखता हूँ तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, 1.5 × 10⁻³, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। रेट ऑफ कंजप्शन नाइट्रोजन मतलब दिस इज गिवन टू यू, तो दिस इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻³। अगर मैं रिएक्शन को ऐसा लिखूँ तो 2 mol of nitrogen + 6 mol of hydrogen, ठीक है, ये 4 mol of ammonia, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन क्या है, 2 है ना, तो −1/2 d(n₂/dt), ओके। और ये माइनस −dN₂/dt इज गिवन टू यू कितना, 1.5 × 10⁻³, ठीक है, तो उसके नीचे 2 आ जाएगा, तो 1.5 × 10⁻³/2, तो अभी कितना हो रहा है, पहले जितना हो रहा था उसका आधा हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं ये वाला रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट अगर रिएक्शन लिखेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, उसके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया रहना चाहिए आपको, मतलब इट शुड बी गिवन टू, या फिर आप इसे लॉजिक लगा सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर यही तो रिएक्शन लिखते हैं, ये क्यों लिखेंगे, तो मैं बोलूँगा कि क्यों, ये गलत है गाइस, तो गलत तो नहीं है, है ना, ये भी तो सही है, ये भी तो बैलेंस ही है ना, या फिर ये भी तो बैलेंस हो सकता है अगर ये रिएक्शन लिखूँ तो। ध्यान से देखना, ठीक है, अगर ये वाला रिएक्शन लिखूँ तो क्या होगा, ये गलत होगा, 3 hydrogen/2 गिव्स ये एमोनिया हो गया, मतलब इस वाले रिएक्शन को मैंने क्या करा, हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया, तो इसमें जो डी ऑफ एन टू बाई डी टी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो क्या होगा, नीचे क्या आने वाला है, नीचे 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा माइनस, ठीक है। तो अच्छे से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे रेट, इस वाले रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, माइनस डी एन टू बाई डी टी, ठीक है, नीचे के आने वाला हाफ, ये हाफ मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, 2 − dN₂/dt, ठीक है। तो अभी ये −dN₂/dt इज गिवन टू यू ना, कितना, 1.5, तो 1.5 × 10⁻³, तो अभी तो डबल हो गया ना, अभी ये 3 × 10⁻³, इसमें हो रहा था इतना, इसमें हो रहा था आधा, इसमें हो गया डबल, राइट। तो जैसे ही आप रेट मतलब बैलेंस रिएक्शन को चेंज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे, अभी है ना आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो कन्फ्यूज होना नहीं है, आप सीधा लिखोगे, ओके, द क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ठीक है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट बिकॉज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट गिवन, ओके, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट गिवन, टू फाइंड आउट द रेट ऑफ रिएक्शन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मस्ट बी गिवन इन द रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें तो है नहीं, तो नहीं है तो हम इसका, ठीक है, आंसर नहीं निकाल सकते, ओके, वी कैन नॉट फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो यही है, तो अच्छी तरह से लिख देना कैसे लिखना है, फाइनली आपको क्या लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट बिकॉज केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नॉट गिवन, ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना तक, ठीक है। तो आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना और इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना 5 मिनट, ठीक है।